चलिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर इंडियन गवर्नमेंट ने कोर्ट में एक एफिडेविट दाखिल किया है। उसने कहा है कि सिविल कोड पर वो फैसला ले रही है इस कानून को लेकर, और कोर्ट जो है तमाम जो लोग जा रहे हैं उनकी वजह से वक्त बर्बाद हो रहा, तो कोर्ट इस पर जो है कोई टिप्पणी अभी ना करें। मेरे ख्याल से सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो एफिडेविट दाखिल किया है, मैं इसके हक में नहीं, मैं इसके फेवर में नहीं। यूनिफॉर्म सिविल कोड हमारे पर्सनल लॉ में हस्तक्षेप है, मैं इसके हक में नहीं हूँ। और मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ये अपील करता हूँ कि, और मैं अदलिया से, अदालत से भी ये अपील करता हूँ कि बाकायदा दोनों लोग इसके अंदर दखलंदाजी करें, क्योंकि मोदी जी ने सबके विश्वास की बात की थी। जब उन्होंने सबके विश्वास की बात की थी, सबको विश्वास में लेने की बात की थी, तो फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात बार बार क्यों उठ रही है? और बार बार यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात उठना बिल्कुल गलत है। इसलिए कि आप यूनिफॉर्म सिविल कोड लाइए, हमारे हिंदुस्तान की एकता इसमें है, या हर धर्म हर मजहब के लोग रहते हैं। गुलदस्ते के अंदर हर रंग के फूल होते हैं तो अच्छे लगते हैं, एक रंग का फूल होता है जरूर गुलदस्ता अच्छा लगता है। लिहाजा यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल्कुल गुलदस्ते के अंदर एक रंग के फूल की बात है। मैं ऑल इंडिया शिया पसला बोर्ड की हैसियत से बड़ी जिम्मेदारी से ये बात कह रहा हूँ कि मैं ऑल इंडिया शिया पसला बोर्ड की तरफ से भरपूर तरीके से इसका विरोध करता हूँ।